इस प्रतियोगिता को मुझे जीतना ही होगा, ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा, मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन मछली पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, कुछ करता हूँ, उस तरफ जाकर देखता हूँ, हो सके कुछ बंदोबस्त हो जाए। ला 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 ला। हाँ, ये तो बूंदा है ना? ये क्या, इसके पास मछली पकड़ने वाला, उसे कहाँ से मिला? अब मैं हार जाऊंगा, मैं कैसे मछली पकड़ूंगा? कुछ भी हो जाए, उस बूंदा के पास वो मछली पकड़ने का यंत्र मैं छीन लूंगा, कैसे भी, किसी भी कीमत पर। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जा रहा हूँ उसके पास। हाँ, मैं सही सोचा था, मछलियों का दाना खरीदने के लिए उसे यहाँ आना ही था, इसी मौके का मुझे फायदा उठाना होगा। ये ले बूंदा, तेरे लिए मैं मछलियों का दाना लाया हूँ, अब वो तुझे खाएंगे। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे ही तो मछली को पकड़ना। छोड़ मुझे, इतना जल्दी क्या है, अभी तो मैं पकड़ा हूँ, अभी तो तुझे ये भी देखना है मछली को कैसे फंसा जाता है। तो सही नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ दे। अब तुझे मैं छोड़ूंगा, पानी का मछली पानी में ही रहे। तू ये क्या किया है? अंदर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं सबक का कारी रहूंगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे मत छोड़ना बूंदा, लेकिन पहले तो अपने आप को बचा, मुझे बाद में सबक सिखाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ मछली पकड़ने, चलता हूँ। इसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, अंदर मैं लेकर ही रहूँगा, लेकिन कैसे उसका इतना हिम्मत मुझे पानी में फेंक दिया और मेरे ऊपर चिट्ठी फेंक दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, चिट्ठी का जवाब मैं चिट्ठी से ही दूंगा। अंदा मैं आ रहा हूँ, अंदा मैं आ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ तू प्रतियोगिता में कैसे जीतता है। बो रहा हंदा, कितने मजे से मछली पकड़ रहा है, अब तुझे पता चलेगा बच्चू। मैं आ रहा हूँ, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूँ, पता नहीं क्यों नहीं फंस रहा है मछली। अब मैं मजा चखाता हूँ तुझे, ये ले। क्या काट रहा है मुझे, क्या घुस गया मेरे पीठ में, कैसा लग रहा है? आ,
लग रहा है तेरे पीठ में चींटी घुस गया है। सैतान लड़के चिल्ला चिल्ला कर पूरे मछली को भगा दिया तू। हंदा पानी में जा, अब पानी में सारा चींटी तेरे पीठ से निकल जाएगा। हे ना हंदा, इसकी वजह से सारा मछली भाग गया इधर उधर। अब मछली कैसे पकड़ेंगे? निकल निकल पानी से, मार मार के तेरा चामड़ी उभार दूंगा मैं आज से। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? प्रतियोगिता में पैसा खर्चे करके नाम लिखाया, आज तू यहाँ पे नहाने आया है? मारो उसको, मारो 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 उसको, मारो मारो। ये मेरा गलती नहीं है, ये सही है साजिश। बूंदा कहता ये साजिश टाम। बूंदा बूंदा मुझे बचा। हंदा संभल कर, ज्यादा देर नदी में मत कर, नदी में मगरमच्छ है, अपना ध्यान रखना। हाँ क्या कह रहे हो? मगरमच्छ पापा पापा पानी में मगरमच्छ, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, मुझे बचाओ पापा, मुझे पानी से निकाल। बूंदा मुझे बचा बूंदा। तू बाहर आ जाना। अंदर मैं जाकर फूफा जी से कहता हूँ, ये लोग फूफा जी का दोस्त है, मैं जाकर फूफा जी से कहता हूँ कि तूने इन लोगों का मछली प्रतियोगिता बर्बाद कर दिया। नहीं 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 बूंदा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, फूफा जी से मत बताना, फूफा जी से मत बताना, बताना। घोड़ सवार एक भयंकर डकैत शमशेर खां था। वो धनवान की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांट देता था, किंतु उसकी इन करतूतों से धनी लोगों की नींद हराम हो गई थी। सुल्तान के पास रोज शमशेर के नाम से शिकायतें आने शुरू हो गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे सैनिक और गुप्तचर चारों तरफ नजर रखे हैं, जल्द ही उसको बंदी बना लेंगे। सुल्तान बहादुर, अभी अभी खबर मिली है कि शमशेर खान आज रात नगर के गरीब गांव वालों को पैसा बांटेगा। सेनापति हुक्म जहापना, आज रातों रात शमशेर को बंदी करना ही होगा। आप निश्चिंत रहिए जहापना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके बाद सेनापति के साथ तत्परता से सारे सैनिक शमशेर को पकड़ने के लिए निकल गए। दूसरा दिन शुरू हुआ उस पर विचार। शमशेर खां, तुम्हारे विरुद्ध अभियोग है कि तुम राज्य में धनी और प्रभावशाली लोगों के यहाँ चोरी करते हो, क्या ये बात सच है? हाँ सुल्तान बहादुर, ये बात सत्य है। हमारे राज्य में चोरी डकैती खून ये सारे राज्य द्रोह की सजा के पात्र है, और इस गुनाह की सजा केवल और केवल मृत्यु दंड ही है। आने वाले दो दिन में आज्ञा का पालन हो। सारी चीजों का प्रारंभ जैसा होता है अंत भी वैसा ही होता है। शांति और व्यक्तिक्रम, इसका अंत कभी नहीं होता। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ? शमशेर खां ही था हम गरीबों का, लाचारों का सहारा, इसके मरने के बाद हम लोगों का क्या होगा? ये बात तो सच है, धनी महाजन प्रभावशाली के हाथ हम लोगों का शोषण होते ही रहेगा और होते ही रहेगा। शमशेर खां को बचाने का कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सुल्तान के यहाँ शमशेर को लेकर रोज कोई ना कोई अभियोग पहुँचने लगा। उस दिन बंदी गृह के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबको इंतजार था डकैत शमशेर सिंह के अंतिम क्षण का।
एक समय ये अंतिम घड़ी आ गई, सेनापति वहां आ गए। दुष्ट शमशेर सिंह, मृत्यु दंड के पहले तुम्हारे हाथ का बंधन खोल दिया जा रहा है। इस बार अपने पापों को याद कर अल्लाह का स्मरण कर लो। सैनिकों, बंधन खोल दो। जो हुकुम। अचानक वहां कोलाहल मच गया। सुल्तान का मृत्यु हो गया। मूर्ख इंसानों, सही गलत का विचार ना करते हुए सारा काम छोड़कर तुम यहाँ चले आ गए। सर्वनाश हो गया सुल्तान बहादुर, शमशेर खां भाग गया। लग रहा है शमशेर खां को भगाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अति शीघ्र अफवाह फैलाने वाले को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुकुम। क्यों तुम ये अफवाह फैलाए हो? जानते हो तुम्हारी वजह से एक भयंकर डकैत बंदी गृह से भाग गया। जानता हूँ सुल्तान बहादुर, उसका नाम शमशेर खान। मेरे बेटी की शादी में उसने मुझे 2,000 रुपयों की मदद की थी, भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसने हम पर इस तरह उपकार ही किए थे। आज उसका कर्जा उतारने का मौका मुझे मिला, और अकेले मैं ही नहीं, मेरे जैसे सारे गरीब बेचारे लोगों का वो एक सहारा है। महामंत्री, क्या ये बात सच है? जी हुजूर, मैंने भी बहुत बार सुना है कि शमशेर खां गरीबों का माता पिता है। आज ये बात खुद के कानों से सुन ली। तो क्या उसे मृत्यु दंड देना उचित होगा? ना सुल्तान बहादुर, उसको मृत्यु दंड देने से गरीब असहाय लोग विद्रोह पर उतर आएंगे। तो इसका कोई उपाय? इसका उपाय उसके पूर्व अपराध को क्षमा कर उसको राज कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। प्रजा हित में लोग सदा ही प्रजा के हित में कार्य करेंगे, सुख शांति की तरफ नजर रखेंगे। सुल्तान बहादुर, महामंत्री की बात मानकर शमशेर खां के पास एक पत्र भेजे। शमशेर बहादुर सुल्तान की बात मानकर राज दरबार में प्रस्तुत हुए और उसे राज कर्मचारी का पद बहाल कर दिया गया। आता होता आधा भोला। उस बुंदा को इस टीम में ले लिया गया। मैं बुंदा की वजह से आज इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में मैं भाग नहीं ले पाया हूँ, तो फिर मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा इस बार। उस गुंडा को मैं किसी भी कीमत पर खेलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कंग्रेचुलेशन गुंडा, फुटबॉल टीम में नाम आ गया तुम्हारा। थैंक यू, लेकिन तेरा नहीं आया। क्या करूं? हम दोनों में से एक को ही मिलना था, क्योंकि मैं और तू एक ही पोजीशन पे खेलते हैं, इसलिए। हाँ हमदा। कोई बात नहीं, तू तो खेल रहा है, मुझे तो चांस नहीं मिला। अगले बार मैं खेलूंगा। चल उठ, मैं शॉट मार रहा हूँ और तू सेव कर। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं पा रहा था। थैंक यू। बुंदा, तू देखना मैं तुझे कैसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है ना तू। बुंदा, मैं तैयार हूँ, मार। तैयार हूँ। ले बुंदा, मर रहा हूँ। ये क्या किया? बहादुर, अभी तू उस मोटू को पकड़कर मेरे सामने लेकर आ। बड़ा आया है फुटबॉल खेलने वाला, मार मार कर कचूमर बना दूंगी। ये क्या? मैं तो सोच रही है कि बॉल में
मारा हूँ, मैं नहीं मारा हूँ। अल्लाह मारा है। बहादुर बहादुर पकड़ उसे, बांध कर ले आ मेरे पास। हंदा ये तूने क्या किया? फंस गया मैं, भागो। उसका प्रैक्टिस बर्बाद कर दिया हूँ, अब मैं उसे अपनी मैच भी नहीं खेलने दूंगा। आज ही मैच है। ये साइकिल लेकर तो फंदा खेलने जाएगा। उससे पहले मैं इस साइकिल लेकर थोड़ा मरम्मत कर देता हूँ। बस काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। आज का मैच मुझे जीतना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्या, साइकिल का ब्रेक काम नहीं कर रहा है? हाँ सच में साइकिल तो ठीक था। ये क्या हो गया है, ब्रेक फेल हो गया है। मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ऐसे कोई साइकिल चलाता है? इतना बड़ा मैच खेलने का मौका क्या बार बार आता है? हंदा हंदा बॉल को सेव कर तू। हंदा सही से खेलना, सही से खेल। बॉल ठीक से पकड़ना। ये गेम तो हम ही जीतेंगे। तो ये हंदा तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तू ग्राउंड से निकल बाहर, तब तुझे मैं देख लूंगा। निकल, तू क्लब में आएगा तब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ये क्या हुआ हंदा, तेरा हालत ये कैसे हुआ है? मैं तो चुनकर दौड़ते दौड़ते आया। हाय हाय मैं तो मर गया। वो टीम इतना मजबूत था, मुझे समझ में नहीं आया कितना अच्छा खेल रहे थे वो। हाँ वो लोग तो किक अच्छा मरते हैं। मतलब और क्या, मैं क्लब में जाकर सुना हूँ कि मैच होने के बाद तुझे क्लब के अंदर ले जाकर तुझे बहुत मारे हैं। मैं अब जा रहा हूँ, अगले मैच के लिए आज क्लब में प्रैक्टिस है। लग रहा है तुझे अगला मैच तक इसी बेड पे ही रहना होगा। मैं दोबारा फुटबॉल नहीं खेलूंगा। बहुत मार खाया हूँ। शिवपुर गांव में कितने दिनों से एक तरह का उत्पात शुरू हुआ है, भूत का उत्पात, और वो होता है शिवपुर से डोमकल जाने के रास्ते में। उस रास्ते में एक बांस का बागीचा पड़ता है, उत्पात तो वही होता है। बाप रे बाप, दीनू मैं तुम्हारा बाजार लेकर जा रहा हूँ। अरे देनु, तुम्हारा बाजार तो भूत लेकर चला गया। ले गया इसीलिए तो बोले, और उसकी कितनी भयंकर हंसी थी। मैं था तो बच गया, अगर दूसरा रहता तो मर जाता। घटना के कुछ दिन बाद ही एक समय बाजार वाले दिन शाम के समय मधु कुमार बाजार से अपना सामान खरीद कर घर की ओर आ रहा था।
मेरी एक छोटी टोकरी है जिसमें राम रावण है, जो देखना चाहे आके देख ले अपनी आँखों से। अरे भाई यह क्या हुआ, इस रास्ते के बीच में बांस कैसे सोए हैं? किसी तरह कूद कर इसके पार चला जाऊं। अरे बाप रे बाप, भूत! राम 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 राम। चलो इस मेटे के पेट में गुदगुदू देते हैं। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, लग रहा है छोड़ो 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 छोड़ो। क्या क्या बात है, वो क्या तुम्हारा पेट में गुदगुद दिया? केवल यही नहीं, मेरे अनाज का बैग और पॉकेट का पैसा भी सब ले गया। सुन रहे हैं क्या समझे सामू? मैंने तो यही सुना था कि भूत गर्दन मरोड़कर खून पी जाते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि अनाज और रुपया पैसा ले लेते हैं और साथ में उसके बदले गुदगुदी दे देते हैं। मुझे लगता है किसी भूत खदेड़ने वाले को बुलाना चाहिए। ओह, यहाँ ओझा का काम नहीं है, इसके भीतर अवश्य ही रहस्य की कुछ बात है, सब सुनो तब। खूब सावधानी से काम करना होगा, ध्यान रखना समझे। जगह कल शाम के समय में है। छोटी मछली बड़ी मछली जो देखेगा आके देख ले अपनी आंखों से देख ले। जगाई हम लोगों को साग सब्जी मछली दे जाओ तो कभी नहीं दूंगा, तब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा खून पीऊंगा। अरे कौन है रे? उसके पहले तू बता कौन है। अगर नहीं बोलूं तो हम लोगों के पास चाकू है, छोड़ दो नहीं तो एक ही वार में। अरे कौन कहा है, जल्दी आओ तो। ऐ शामू जाओ जाकर उनका मुकरा हटाओ तो। ए, खोलना नहीं खोलना नहीं। चलो इन लोगों को थाने ले चलो 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 चलो। हाँ चलो 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 चलो। उसके बाद से ही उस बांस के बागीचे के पास भूतों का उत्पात बंद हो गया।